हेलो दोस्तों, रनिश देसी सड़का में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, रेनुस देसी तड़का में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाने वाले हैं वेजिटेबल सूप, जो बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा है और डाइट सूप है। इसको आप खाने से आपकी बॉडी में 1 वीक में फ़र्क पड़ेगा ही पड़ेगा। हमने खुद ने इसे ट्राई किया है, इसीलिए मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। इसको 8 बजे से पहले खाना है रात को, और उसके बाद कुछ नहीं लेना है। आप ट्राई कीजिए। तो चलिए आज हम बनाते हैं वेजिटेबल डाइट सूप। मैंने कॉबिच लिया है, गाजर लिया है, कैप्सिकम लिया है, टमाटर लिया है, प्याज और नींबू लिया है। तो हम इसको पहले कढ़ाई में रख देंगे गैस गर्म। कढ़ाई को मैंने अच्छे से गर्म कर ली है, उसमें ये सारी सब्जियां मैंने डाल देती हूँ और इसको थोड़ा सा ऐसे ही भूनना है। अच्छे से मिक्स कर देना है इनको और इसको थोड़ी देर अच्छे से भून लेना है। ये डाइट का सूप है, इसको पीने से बॉडी में फर्क आता ही है, लेकिन इसको रोज रेगुलर आप पीते हो तो ही फर्क आएगा। अगर आप रेगुलर नहीं पीते हो तो कोई फर्क नहीं आएगा। आप 1 वीक तक इसको ट्राई कीजिए तो आपको खुद को चेंजेस नजर आएगा। तो एक बार इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। अब इसमें है ना, हम थोड़ा सा डालेंगे 1/2 चम्मच काली मिर्च। नमक हमको है ना सादा वाला नहीं डालना है, जो उपवास में खाते हैं ना और जिसको सेंधा नमक बोलते हैं वो डालना है। वो स्वाद के अनुसार डाल दीजिए आप। वो 1/2 चम्मच पर डाला है मैंने, और थोड़ा सा मैंने काला नमक डाला है। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे अपन, और थोड़ी सी देर इसको चलाते रहना है। गैस फुल पे ही रखना है, थोड़ी सी सब्जी अपनी सूख जाती है, इस तरह से अपन को चलाते रहना है। इसमें टमाटर, प्याज, कॉबी सब है जो सब पानी छोड़ते हैं, तो उससे ना फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। थोड़ा अच्छे से अपनी सब्जी ड्राई हो जाएगी, उसके बाद हम इसमें नींबू डालेंगे। नींबू माखने में डालेंगे ताकि इसका टेस्ट अच्छा आए, और ये खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। तो आप एक बार इसे बनाना ज़रूर, ट्राई ज़रूर करना, क्योंकि बहुत जल्दी बन जाती है ये, ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसको बनाने में। और डाइट सूप है तो ये आपको फ़ायदा ही करेगा, इसका कुछ भी नुकसान नहीं होगा। आप इसे एक बार बनाना ज़रूर। और मेरे चैनल पर अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और पूरा एंड तक देखिए। इसको हम अच्छे से होने देंगे। हम गैस की फ्लेम को लो कर देते हैं ताकि थोड़ी सी सब्जी हमारी भून जाए। सब्जी थोड़ी भून चुकी है तो अब इसमें हमें ना नींबू डाल देंगे फ्लेवर के लिए, और ये जरूरी भी है नींबू डालना। और गैस की फ्लेम को फुल करेंगे, और इसको हमने गैस की फ्लेम को फुल किया है। अब इसमें हम डालेंगे 1/2 ग्लास इतना पानी, और इसको अच्छे से बॉईल होने देंगे। बहुत ज़्यादा अच्छे से उकाली आनी चाहिए, और उकाली को अपन 10 मिनट तक इसको पानी को उबलने देना है, ताकि अपना जो सूप है ना वो बिल्कुल एक जान जैसा हो जाए। बिल्कुल मतलब सब्जी वगैरह में सूप का मतलब फ्लेवर आ जाना चाहिए। तो इसको 10 मिनट तक उबालेंगे और उसको फुल फ्लेम पे उकालेंगे और उसको ढक देंगे। देखिए अपना सूप बन चुका है, पानी भी बहुत अच्छी तरह से अब्जॉर्ब कर लिया है। तो हम इसको सर्व बॉल में निकाल लेते हैं। हमारा सूप रेडी हो चुका है, अपना सूप रेडी हो चुका है। आप इसको 1 वीक तक लेकर ट्राई कीजिए, सच में आपको बॉडी में कुछ फर्क नजर आएगा। बस इसको ही शाम को 8 बजे से पहले खाना है, उसके बाद कुछ नहीं खाना है। पक्का ट्राई कीजिए आप, फर्क पड़ेगा। और ये काफ़ी खाने में भी बहुत टेस्टी है, तो आपको अच्छा लगेगा ही। तो आगे मेरी अगली रेसिपी के लिए हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगली रेसिपी पे।